हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और जो ये टॉपिक है जीवन परिचय से रिलेटेड है, ठीक ना। आप यहां पे देख सकते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का या कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का पेपर है, ठीक ना। और ऐसे ही सेम टू सेम आपका बोर्ड का भी पेपर आने वाला है, ठीक ना। सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। यहां पे अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर, यहां पे समय 3 घंटा, पूर्णांक आपका 17 नंबर का होगा, ठीक ना। और इस पेपर का जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक ना, जीवन परिचय से रिलेटेड होगा। तो 5वां में 2 क्वेश्चन आते हैं, क और ख, जो कि दोनों 4-4 नंबर के होते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे जीवन परिचय लेखक का बताने वाला हूँ, ठीक ना। इसके पहले हमने रामचंद्र शुक्ल का बता रखा है, अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। ये ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, रटना नहीं है चीज़ों को, समझना है। और जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ें लिखनी है जो कि आपको बोर्ड जो एग्जामिनर होता है एक भी नंबर ना काटे, ठीक ना। तो पूरा फुल में फुल नंबर पाना है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त को भी शेयर करना। तो देख सकते हैं कि 12, 13, 14 लगातार ये हर साल ये क्वेश्चन आता हुआ है, ठीक ना। हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क, फिर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर यहाँ से लिखेंगे जीवन परिचय। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनका लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ और किस सन में हुआ, दो चीज़, ठीक ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ और किस सन में इनका जन्म हुआ, पापा का नाम क्या है, ठीक ना। इतनी चीज़ें, तीन चीज़ें ऊपर लिख देना है और एक चीज़ नीचे लिखना है कि मृत्यु हुआ तो कहाँ पे हुआ और किस सन में हुआ। बीच में आप कुछ भी लिखोगे एग्जामिनर चेक नहीं करता है, ठीक ना। इतनी चीज़ें समझ गए। तो जीवन परिचय लिखने के बाद लास्ट में नीचे लिखना है आपको कि रचनाएँ, और इनकी जो मेन रचना का नाम है वो लिख देना है। आपको 4 के 4 नंबर पूरा फुल में फुल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जीवन परिचय कि बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो काशी में। कहाँ पर हुआ, काशी में। और किस सन में हुआ, तो 30 जनवरी सन 1889 में। समझ गए बात, काशी में हुआ और 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था जन्म। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू, जो कि सुहनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। पापा का नाम क्या है इनके, श्री देवी प्रसाद साहू, ठीक ना। और ये सुहनु साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक ना। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादार हुआ करता था, ठीक ना। ये चीज़ आप लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ से लिख देंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्व अध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज के नाम लिखाया गया, ठीक ना। किंतु वही 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका जो यहाँ पे अधिकांश जीवन काशी में यानी कि बनारस में बीता है, ठीक ना। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं से प्रतिभासित होती है। टीवी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर 1937 को। अब समझिए बात को, आप पूरा मैटर लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे इनका जन्म काशी में सन 30 जनवरी सन 1800 ईस्वी को हुआ है, ठीक। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि सुगनू साहू के नाम से प्रख्यात थे, ठीक ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की जो शिक्षा थी इन्होंने घर पर ही अपने से ही पढ़कर किया। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया था, लेकिन वहाँ पे आठ ही तक पढ़ पाए, ठीक ना। और 12 वर्ष की उम्र में इनकी पिता का मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। इसके वजह से इनका काशी में ही जीवन व्यतीत होता है। फिर अपने जीवन में 3-4 यात्राएं की, उन्हीं से ये प्रभावित हुए, यहाँ पे हिंदी में आए, ठीक ना। हिंदी को लिखना स्टार्ट किए। और इनका भी जो मृत्यु होता है टीबी मतलब कि यक्ष्मा रोग होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर सन 1937 को। इतनी चीज़ें आपको लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, रचनाएं लिखना है। तो रचनाएं इनकी मेन कौन कौन सी रचना है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मेन इनकी रचना है आकाशदीप, ठीक ना। इनकी मेन रचना का नाम क्या है, आकाशदीप, ठीक ना। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ठीक ना, इनकी मेन रचना का नाम है। तो
आप इतना लिख देना। फिर यहाँ इसका उनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, ठीक ना, इतनी चीज़ें, चार पांच रचना का नाम लिख दीजिए, आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।